सो फाइनली रियलमी, रेडमी और Xiaomi के बाद अब ओप्पो ने भी अपनी एक मिड सेगमेंट में नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है जो कि ओप्पो वॉच फ्री के नाम से आती है। काफ़ी शानदार एमोलेड डिस्प्ले और एक अच्छे खासे बैटरी बैकअप के साथ ओप्पो ने इस स्मार्ट वॉच को 5,999 रुपीज़ की कीमत पर लॉन्च किया है। तो अगर आपको बजट 5,000 से 6,000 रुपये के बीच में है तो क्या आपको ओप्पो की तरफ से आने वाली इस स्मार्ट वॉच को लेना चाहिए या फिर कोई दूसरी स्मार्ट वॉच कंसिडर करना चाहिए? आज इस वीडियो में कुछ इन्हीं पॉइंट की बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओप्पो ने लास्ट ईयर ओप्पो वॉच फ्री को चाइना में लॉन्च किया था जो कि एग्जैक्ट सेम प्राइस और सेम स्पेक्स के साथ अब भारत में लॉन्च हुई है। ओप्पो की भारत में ये पहली स्मार्ट वॉच है जो कि आपको 10,000 रुपये से कम की कीमत में देखने को मिलती है। जनरली ओप्पो की स्मार्ट वॉचेस 15,000 से 20,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आती हैं जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी तरह की फ्लैगशिप स्पेक्स देखने को मिलती हैं। तो ओप्पो वॉच फ्री एक बजट सेगमेंट की स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको 1.63 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो ओप्पो वॉच फ्री में आपको 280x456 पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं, साथ ही में DTC IP3 कवरिंग भी देखने को मिलती है। ओप्पो वॉच फ्री में आपको 2.5D कप ग्लास देखने को मिलता है। तो एक एमोलेड डिस्प्ले और कप ग्लास के साथ ओप्पो वॉच फ्री का लुक काफ़ी प्रीमियम और स्टाइलिश हो जाता है। ऑल्दो इस स्मार्ट वॉच में आपको उतने अच्छे पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलता, बट एक टॉप एंड द लाइन एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि ऑलवेज ऑन फीचर्स के साथ में आती है। साथ ही अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ओप्पो वॉच फ्री में आपको ओनली 32.6 ग्राम का लाइट वेट के साथ में एक मेटल बॉडी देखने को मिलती है जो कि इस स्मार्ट वॉच को एक प्रीमियम और स्टाइलिश स्मार्ट वॉच बनाती है। साथ ही में इस स्मार्ट वॉच में आपको रिप्लेसिबल सिलिकॉन स्ट्रैप भी देखने को मिलते हैं, तो आप अपनी साइज और कलर के हिसाब से इस स्मार्ट वॉच के स्ट्रैप को भी चेंज कर सकते हैं। तो ओप्पो वॉच फ्री में आपको एक अच्छी डिस्प्ले टाइप के साथ में एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिलती है। साथ ही अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्मार्ट वॉच की बात करें तो ओप्पो वॉच फ्री में आपको 24x7 हार्ट रेट सेंसर के साथ में SpO2 सेंसर भी देखने को मिलता है जो कि कंपनी के मुताबिक काफ़ी एक्यूरेसी से आपके ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करता है। SpO2 सेंसर के अलावा इस स्मार्ट वॉच में आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी डीप स्लीप या फिर लाइट स्लीप को काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर फिटनेस और स्पोर्ट मोड की बात करें तो ओप्पो वॉच फ्री में आपको साइकिलिंग, योगा, क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे 100 से भी ज़्यादा स्पोर्ट और फिटनेस मोड देखने को मिलते हैं। ओप्पो वॉच फ्री में आपको इस प्राइस ब्रैकेट में आने वाली स्मार्ट वॉचेस के कंपैरिजन में काफ़ी एडवांस और एक्यूरेट सेंसर देखने को मिलते हैं जो कि आपकी फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रैक करते हैं। साथ ही अगर नोटिफिकेशन और नेविगेशन की बात करें तो ओप्पो वॉच फ्री में आपको कॉलिंग नोटिफिकेशन के साथ में SMS, WhatsApp, इवन Instagram के भी नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ऑल दोस इस स्मार्ट वॉच में आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन या फिर स्पीकर देखने को नहीं मिलता, बट इस स्मार्ट वॉच में आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन फीचर्स के साथ में अलार्म, स्टॉप वॉच और फाइंड माई फोन जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर GPS की बात करें तो ओप्पो वॉच फ्री में आपको किसी भी तरह का नेविगेशन सिस्टम देखने को तो नहीं मिलता, बट एक एडवांस पेडोमीटर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी एक्यूरेसी से आपकी रनिंग और स्टेप को काउंट करता है। साथ ही अगर वॉच फेसेस की बात करें तो इस स्मार्ट वॉच में आपको ऑलवेज ऑन वॉच फेसेस के साथ में 40 से भी ज़्यादा कस्टमाइजेबल डिफरेंट वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं जिससे आप अपनी फेवरेट फोटोज़ या फिर सेल्फीज़ को भी एज अ वॉच फेसेस यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर बैटरी की बात करें तो ओप्पो वॉच फ्री में आपको 14 डेज तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। साथ ही इस स्मार्ट वॉच में आपको क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, तो ओनली 5 मिनट की चार्जिंग पे इस स्मार्ट वॉच को आप पूरे एक दिन तक यूज़ कर सकते हैं। क्विक चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस प्राइस ब्रैकेट में आने वाली स्मार्ट वॉचेस में देखने को नहीं मिलता, तो ओप्पो वॉच फ्री एक ऐसी स्मार्ट वॉच हो जाती है जिसमें आपको अच्छी डिस्प्ले के साथ में क्विक चार्जिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल 6,000 रुपये में आपको ओप्पो वॉच फ्री में ऑलवेज ऑन एमोलेड डिस्प्ले के साथ में 100 से भी ज़्यादा स्पोर्ट मोड और एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी देखने को मिलता है। तो अब बात यह आती है कि आपको 6,000 रुपये में ओप्पो वॉच फ्री लेना चाहिए या फिर कोई दूसरी स्मार्ट वॉच कंसीडर करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ओप्पो वॉच फ्री की कीमत थोड़ी हायर साइड है। अगर ओप्पो इस स्मार्ट वॉच को 4,000 या फिर 5,000 अराउंड की प्राइस ब्रैकेट पर लॉन्च करता तो ओप्पो वॉच फ्री एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच हो जाती। अगर ओप्पो इस स्मार्ट वॉच में इनबिल्ट माइक्रोफोन, स्पीकर या फिर GPS सिस्टम को लेके आता तो ओप्पो वॉच को 6,000 रुपये में कंसीडर कर सकते थे। अगर आप एक अच्छी एमोलेड डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं तो आप डीजो की लेटेस्ट डीजो वॉच और को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग, GPS और एक एमोलेड डिस्प्ले स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं
तो आप Amazfit की GTR और GTS 3 स्मार्ट वॉच को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में इनबिल्ट GPS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अगर आप Oppo Watch 3 और इस प्राइस ब्रैकेट में आने वाली बेस्ट स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप इस प्राइस ब्रैकेट में आने वाली बेस्ट स्मार्ट वॉच को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी गैजेट्स और टिप्स रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यार चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।